हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अमरूद के बारे में, अमरूद के पौधे के केयर के बारे में। गमले में या पॉट में अमरूद के पौधे में सबसे बड़े फल कैसे लें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं पंकज मौर्या और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। तो फ्रेंड्स, बड़ा अमरूद पाने के लिए देखिए, ये हमारे गमले में दो अमरूद लगे हुए थे। जब फ्लावरिंग हो रही थी तो पौधा छोटा था, उस समय हमने सारे फ्लावर तोड़ दिए थे और दो फ्लावर को रखे हुए थे कि हम देखना चाह रहे थे कि कितना बड़ा इसमें साइज़ हम ले सकते हैं। तो इसकी हमने प्रॉपर केयर करी और देखिए, ये आपको सामने दिख रहा है इसका एक अमरूद, और जो दूसरा अमरूद लगा था वो इससे कुछ साइज़ में बड़ा था। वो हम जब एक दिन बाहर चले गए थे तो हमारे फ्रेंड लोग आए हुए थे और उन लोगों ने तोड़ के खा लिया था, तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए उसका। तो आज हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी खास बात यह है कि जब भी आप अमरूद का पौधा नर्सरी से लें तो ग्राफ्टेड किया हुआ हो और पौधा बहुत हेल्दी हो, ये आप वहाँ से देख के लाएँ। ये देखिए कितना बड़ा अमरूद साइज़ में है, पूरा डंठल इसका नीचे की तरफ झुक गया है और ये चिड़िया ने इस पर चोंच मार दी है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि सॉइल मिक्सचर अच्छा बनाएं। जब आप अगर पॉट में लगा रहे हैं तो पॉट में नीचे छेद ज़रूर करें, होल होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल सके। और तीसरा है कि 6 माह से पहले उसमें फल, जो पौधा है उसमें फल ना लें, नहीं तो पौधा आपका कमज़ोर रह जाएगा और पौधे जो फल साइज़ होगा वो छोटा रह जाएगा। चौथी चीज़ है, पॉट में रेगुलर पानी दें, नमी बनाए रखें और ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। जैसे बहुत ज़्यादा पानी रोज़ डेली भरते रहेंगे तो उसकी जड़ें ख़राब होने लगेंगी। और दूसरी पाँचवीं चीज़ है, हर एक महीने के अंतराल पर लगभग 250 से 500 ग्राम आप वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद पॉट की ऊपरी सतह में अच्छे से मिलाएँ और एक बार थोड़ा ज़्यादा वाटर दें उसको, महीने में एक बार, मतलब हैवी वाटर देना है उसका भी। ऊपर जो आपको वीडियो दिख रहा है, इस तरीके से आपको वर्मी कंपोस्ट मिलानी है और पानी दे देना है। तो दोस्तों, अमरूद के आज के अमरूद जो हमने तोड़ लिया है, ये तोड़ाई कर ली है, अभी इसको आपको दिखाएंगे हम पूरा प्रोसेस आगे, अभी आपको खाने के लिए भी शेयर करेंगे। तो एक जो सबसे लास्ट चीज़ ये है कि केमिकल खाद का इस्तेमाल कतई ना करें अगर आप पॉट में लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उससे आपकी पौधे की जो पॉट की मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है और उतना अच्छी ग्रोथ पौधे की नहीं होती है। तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद दें। ये देखिए दोस्तों, इसका हमने वज़न किया है, तो ये 200 ग्राम के दो बाट हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं है तो हम इस पर जो तराजू है इससे तौल रहे हैं। और ये देखिए, ये 400 ग्राम का अमरूद है, ये देखिए ये 400 ग्राम का अमरूद है, तौलने पे पूरा 400 ग्राम निकल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता तो 400 ग्राम के ऊपर ही बताता, कम नहीं बताता। और जो दूसरा अमरूद लगा था वो इससे भी बड़ा था, क्योंकि आपने वीडियो में, पहली वाली वीडियो में देखा होगा, उस साइज़ का उसका ज़्यादा बड़ा था, तो वो लगभग 500 ग्राम का वाला अमरूद होगा। ये देखिए, इसके डंठल रह गए। अब इसको तोड़ना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो रही है, तो हमें गमले की पूरी सफाई करनी है। इसमें जो नीचे पॉट में जो पौधे खड़े हैं गेंदा के, उनको हटाना है, उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे और पूरा हमको इसमें से पौधे निकाल के इसकी निराई करनी है और इसमें वर्मी कंपोस्ट फिर से हमको ऐड करना है और हैवी वाटर देना है इसको, मतलब डीप वाटरिंग करनी है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज सारी टिप्स आपको बता दी, उसके बाद देखिए ये यहाँ पर चिड़िया चोंच मार दी तो हमने इसको चाकू से हटा लिया है और इसको आज हम काट के खाने के लिए आपको शेयर करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से काट लिया है, काफ़ी मुलायम है ज़्यादा, और ये देखिए इसमें सीड बिल्कुल भी नहीं है, एक दो सीड बस नाम मात्र के लिए केवल हैं। जैसा आप देखते हैं बहुत सारे अमरूद होते हैं, उसमें बहुत सारा सीड निकलता है, ये देखिए बहुत ही आसानी से कट जा रहा है, जबकि अभी घुला नहीं है बिल्कुल भी, अभी दबाने से दब नहीं रहा था, इतना टाइट है। अगर इसको कुछ दिन हम और रखते तो साइज़ का थोड़ा और बढ़ जाता, वज़न भी थोड़ा बढ़ता, क्योंकि ये अभी पीला नहीं पड़ा है बिल्कुल भी। और ये इतना 400 ग्राम का है तो इसमें 2-3 लोग तो आराम से खा लेंगे, अगर 1 लोग खाएंगे तो पूरी की तरीके से पेट तो भर ही जाएगा और शायद एक लोग खा भी ना पाए। तो इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं ताकि जितने भी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन सबको एक एक पीस पहुँच जाए। दोस्तों, तब तक एक और बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि फर्टिलाइज़र दीजिए, इसमें DAP डालिए, यूरिया डालिए, तो मेरी मानिए तो
पॉट में जब भी आप लगा रहे हैं या अपने घर में ही कोई भी सब्जी कोई भी फल लगा रहे हैं तो उसमें कभी भी कोई केमिकल बिल्कुल मत दीजिए, जब तक कि एकदम रिकमेंडेशन ना आ जाए कि इसको ये देने से पौधा बचेगा नहीं तब तक मत दीजिए। क्योंकि सब लोग केमिकल केमिकल कितना केमिकल खाएंगे, केमिकल खा आप जब ये गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर आप सब्जियां उगाएंगे या अमरूद, ये अमरूद जो है ये इतना टेस्टी होगा क्योंकि हमने जो टमाटर उगाए हैं वो बिल्कुल भाई लाजवाब हैं। ऐसे टमाटर तो हमने कहीं के भी नहीं खाए, जो ऑर्गेनिक तरीके से आप उगाएंगे उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होगा। वैसा टेस्ट आपको कहीं से भी आप खरीद के लाइए, कहीं से भी आप उस टाइप का टेस्ट पाएंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये लीजिए अमरूद आपके लिए पेश है, सब लोग खा लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।